वहीं भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण एक वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। 22 अक्टूबर सुबह 6:45 पर इस मिसाइल का फाइनल ट्रायल पूरा किया गया। ये ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज में पूरा हुआ है। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत और चीन के एलएसी पर विवाद चल रहे हैं। इस ट्रायल के बाद अब मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। भारत की सैन्य क्षमता में एक और इजाफा हुआ है। मिसाइल परीक्षण में लगातार आगे बढ़ रहे भारत ने गुरुवार को वॉरहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों ने बताया कि भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। आपको बता दें कि नाग मिसाइल पूरी तरह से देसी है और ये मिसाइल भारत द्वारा निर्मित थर्ड जनरेशन की है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। पहले 1.5 महीने के दौरान डीआरडीओ का ये 12वीं मिसाइल का सफल सिस्टम परीक्षण है। बीते दिनों डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने इस बारे में आगे के इरादे भी जाहिर किए। उन्होंने एक बयान में कहा कि डीआरडीओ स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटा हुआ है। जल्द ही मिसाइल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। भारत में इससे पहले भी नाग मिसाइल के कई अन्य ट्रायल किए जा चुके हैं। साल 2017-18-19 में अलग अलग तरीके से नाग मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है। डीआरडीओ की माने तो इस मिसाइल की कई खूबियां हैं। इमेज के जरिए मिसाइल अपना अचूक निशाना साधती है और दुश्मन के टैंक का पीछा करते हुए उसे तबाह कर देती है। नाग मिसाइल वजन में इतनी हल्की है कि इसे इधर उधर आसानी से ले जाया जा सकता है और उपयोग में लिया जा सकता है। पहाड़ी पर या दूसरी किसी जगह पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए ले जाना काफी आसान है। इसका कुल वजन 42 किलो है। भारत में पिछले करीब 1 महीने में अलग अलग तरीके से आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी ही स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। नाग मिसाइल को नाग मिसाइल कैरियर से लॉन्च किया गया। ये 4 से 7 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगा सकती है। ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल दिन और रात दोनों ही समय दुश्मन टैंकों को निशाना बना सकती है। इसके सेना में शामिल होने के बाद इंडियन आर्मी आसानी से दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकेगी। रक्षा मंत्रालय ने 2018 में इंडियन आर्मी के लिए 300 नाग मिसाइल और 25 NAMICA खरीदने को मंजूरी दी है। इमेज के जरिए मिसाइल अपना अचूक निशाना साधती है, दुश्मन के टैंक का पीछा करते हुए उसे तबाह कर सकती है। नाग मिसाइल वजन में काफी हल्की होती है। नाग मिसाइल मीडियम और छोटी रेंज की मिसाइल होती है। नाग मिसाइल का कुल वजन 42 किलो है। ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये 4 से 7 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगा सकती है। नाग मिसाइल दिन और रात दोनों समय दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकती है। थर्ड जनरेशन गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल नाग का उत्पादन इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा। अब तक इसका ट्रायल चल रहा था। साल 2018 में इस मिसाइल का विंटर यूजर ट्रायल किया गया था। भारतीय सेना 8000 नाग मिसाइल खरीद सकती है, जिसमें शुरुआती दौर में 500 मिसाइलों के ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। नाग का निर्माण भारत में मिसाइल बनाने वाली अकेली सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। भारत ने पिछले 2 महीनों में लगभग 13 मिसाइलों का परीक्षण पूरा किया है। आने वाले महीनों में कुछ अन्य मिसाइलों के लॉन्च होने की भी खबर सामने आई है। सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच इन मिसाइलों का परीक्षण काफी अहम माना जा रहा है। कुछ दिनों पहले डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा था कि भारतीय सेना जिस तरह की मिसाइल चाहती है, हम वैसी ही मिसाइल बनाकर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मिसाइल निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।